हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू हमें जी ज्वाइन किया है भारत से रोहित शर्मा जी ने जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं अपना एक जबरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं बहुत शुक्रिया रोहित क्या आज आपने ज्वाइन किया थैंक यू सो मच तो भाई जी बड़ा हंगामा हो रहा है रशिया में और यूक्रेन में और साथ साथ हमारे यहाँ के भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं पाकिस्तान के जो यूक्रेन में और वो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान हम वैसी मदद नहीं कर रही और उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा इस तरह की बहुत सी हमने आज देखी है कि हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे थे और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उससे कुछ देर पहले तक यही न्यूज चल रही थी अब हो सकता है कि कुछ पाकिस्तान एम्बेसी ने किया हो आगे बढ़े हो और कुछ मदद की हो स्टूडेंट्स की लेकिन आपकी तरफ क्या हाल है और जो इंडियन स्टूडेंट्स गए हैं पढ़ने के लिए चाहे वो रशिया गए हो चाहे वो यूक्रेन गए हो आ, क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ लोगों को लाया गया है, है हालत तो थोड़ी खराब ही है सिचुएशन ये है कि वहां पर आ, अभी सीज फायर हुई थी सीज फायर क्या हुई थी आ, रशिया ने अटैक करना बंद कर दिया था और टॉक्स की बात की थी लेकिन वो अटैक फिर से रिज्यूम कर दिया है तो वहां से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए हमारा ऑपरेशन गंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्ट हो गया वहां से दो फ्लाइट इंडिया आ, एक फ्लाइट लैंड कर चुकी है एक फ्लाइट और जल्दी कल सुबह लैंड कर जाएगी जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी एम्बेसी ने वहां पर उनके पास बस भेजी है बस से वो वापस बॉर्डर पे लाए जा रहे हैं और बॉर्डर से फिर वो नेबरिंग कंट्रीज में ले जा कर रोमेनिया हो पोलैंड हो वहां से उनको फ्लाई कराया जा रहा है यहां से प्लेन लगे हैं एयरक्राफ्ट लगे हैं इस काम में पीयूष गोयल खुद वहां मौजूद थे हमारे मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर जब हमारे स्टूडेंट्स पहुंचे थे पीयूष गोयल खुद वहां मौजूद थे इसमें आई थिंक ढाई से ज्यादा अभी आ चुके हैं ढाई कल सुबह आ जाने चाहिए सेकेंड फ्लाइट और उसके बाद और फ्लाइट आएंगी आ, काम चल रहा है और आ, सिचुएशन खराब है और तौर से ये सिचुएशन इतनी जल्दी अभी ठीक होती नहीं दिख रही है जिस हिसाब से हमें पता लग रहा है एक वार्निंग स्वीडन को और फिनलैंड को भी दे दी है रशिया ने कि अगर आपने नेटो ज्वाइन करने की कोशिश की तो हम भी आप पर अटैक कर देंगे हम दो हम आप पर भी अटैक कर देंगे तो ये सीरियस इश्यू है जब वो दूसरे और तीसरे कंट्री को अटैक करने की सोच रहा है इसका मतलब वो पहले को तो नहीं छोड़ेगा पहली ये बहुत क्लियर है ये बहुत अभी जल्दी खत्म होती है हमें नहीं दिख रही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी कंट्री छोड़ने से मना कर दिया है वो खुद भी तैयार खड़े हैं इसका मतलब यह है कि ऑन द स्ट्रीट्स जो फाइट है वो और बड़ी निकलेगी वहां पे वो लोग भी तैयार हैं अभी मिलिट्री uh, इक्विपमेंट वहां पे जा रहा है ले जाया जा रहा है ये भी uh, अभी मैं थोड़ी देर पहले कहीं पढ़ रहा था कि फर्दर मोर मिलिट्री मिलिट्री इक्विपमेंट उधर भेजा जा रहा है यूक्रेन में कुल मिला सिचुएशन ये है कि हमारे बच्चे वहां से निकल जाएं मैंने देखा पाकिस्तानी बच्चे भी वहां पे फंसे हैं और वहां पे इनफैक्ट पाकिस्तानी बच्चे कांटेक्ट कैसे करें वहां तो एम्बेसी छोड़ के भागे हुए हैं वो लोग किसी और आ, सिटी में उन्होंने एम्बेसी ली और खबर ये भी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि आप बच्चों को बोल दिया कि आप अपने आप पहुंच जाइए वहां पे जहाँ पे पोलैंड के बॉर्डर पे जहाँ पे एम्बेसी उन्होंने खोली है वहां तक अपने आप पहुंचे उसके बाद हम देख लेंगे तो कुछ बच्चों ने किया क्या है कि अपनी गाड़ी के आगे इंडियन फ्लैग लगा करके वो निकल गए हैं और वहां पे लोकेशन पे पहुंच गए हैं करीब इनफेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट की फिगर थी 25-26 कुछ ऐसी फिगर थी कि बच्चे गए उनको तो आज ही निकाल दिया जाएगा जहां तक बात इंडिया, इंडिया की साइड की इंडियन फ्लैग क्यों क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जब बात की थी तो पुतिन ने एश्योरेंस दिया था कि कोई भी इंडियन फ्लैग लेकर के आ रहा है तो हम उसको हमारी आर्मी उसको हेल्प करेगी कंट्री से बाहर निकलने में पाकिस्तान का कोई ऐसा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां दो दिन रहे थे पता नहीं बिरयानी बिरयानी खा के आ गए लेकिन ऐसा कोई पाकिस्तान को नहीं मिला था इंडिया को मिल गया था आ, तो इसलिए वो इंडियन फ्लैग लगा के गए थे बच्चे ये खबर है और इस खबर को पाकिस्तान तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो बच्चे फ्लैग लगा के गए थे वो भी शायद मेरे हिसाब से अगर कोई बहुत ही ऑनेस्ट हो तो बोल दे अदरवाइज वो पाकिस्तान में रहकर वो भी नहीं बोलेंगे बट खबर है और इसका वीडियो भी आ जाना चाहिए जल्दी सामने आ, लेकिन जो अभी सूरते हाल है, जो है, जो सिचुएशन बच्चे अभी बहुत सारे फंसे हुए हैं कुछ बच्चे तो बंकर्स में हैं, कुछ मेट्रो स्टेशन के अंदर हैं, और वॉर अभी फाइटिंग अभी बढ़ने की उम्मीद है तो बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाएं तो बेटर है गवर्नमेंट हमारी तो बिल्कुल आ, फुल फ्लाइटेड लगी हुई है यहाँ से प्लेन कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं एक प्लेन मैंने देखा जो कि मतलब एक आ, फ्लाइट ट्रैकर एक वेबसाइट है आप उस पर देख सकते हैं कौन सा प्लेन कहा जा रहा है हालांकि किसी आम आदमी के लिए फ्लाइट ट्रैकर वो है उस पर आप देख सकते हैं हालांकि किसी आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतने सारे प्लेन इकट्ठे दिख रहे होते हैं उसको अगर एक महीने तक स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा प्लेन कहाँ जा रहा है तो उसमें दिख रहा था कि इंडियन एयर इंडिया का प्लेन जाता हुआ दिख रहा था उसमें तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस समय भी आपको जाता हुआ मिल जाएगा क्योंकि एक दो तीन चार ऐसे प्लेन जा रहे हैं यूक्रेन की ओर और इस, इसी इसी वेबसाइट से ये ट्रैक हो रहा है कि यूक्रेन कितने प्लेन जा रहे हैं वे, वेस्टर्न यूरोप से ब्रिटेन से या दूसरे कंट्रीज से लेकिन इन इस, इस सारे जो सिचुएशन है उसका जो जिस तरह से वॉर स्टार्ट हुई है और टेंशन बढ़ती जा रही है बहुत से आई थिंक वन एट के करीब लोगों को बताया जा रहा है जो अभी तक मारे जा चुके हैं दोनों साइड से तो आपको क्या लग रहा है कि बाकी दुनिया में बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें क्या इसका इम्पेक्ट पड़ेगा क्या टेंशन क्रिएट हो सकती है स्पेशली यूरोपियन साइड पे टेंशन तो क्रिएट होगी नो डाउट अबाउट इट एक तो वर्ल्ड डिस्टेबलाइज होती है इससे दूसरी चीज अमेरिकन कैंप में प्रॉब्लम दिखेगी हमें ये भी दिखेगा कि कैसे अमेरिकन कैंप से जो अमेरिकन कैंप में लोग हैं या कंट्रीज हैं उनको कैसे कोई दूसरा कंट्री हमला कर देता है और वो अकेले लड़ते हैं एक इतनी बड़ी सुपर पावर से ये एक सीरियस इशू है और अभी फिनलैंड और स्वीडन को जो वार्निंग दी थी फिनलैंड और स्विट्जरलैंड स्वीडन ने दोनों ने उस वार्निंग को मानने से मना कर दिया है हम देख सकते हैं कि कहीं एस्केलेशन और ना हो दो और कंट्रीज इसके निशाने पे ना आ जाएं जिस वार्निंग को सीरियसली लिया जाना चाहिए और ये बहुत uh, बड़ी चीज है अगर एक पर हमला कर रखा है और दो को वार्निंग दी है तो रशिया इज बिकमिंग अ ग्लोबल थ्रेट एंड रशिया चाइना अलायंस इज इवन बिगर थ्रेट हम लोग देख रहे हैं जैसे एंटेंट का मामला था या एक्सेस पावर्स का मामला था कुछ वैसे ही हमें दिख रहा है और इट इज गोइंग तो टू बी सीरियस इश्यू नाउ और इकॉनमी पे कहाँ तक असर पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा है कि जी क्योंकि ये वॉर स्टार्ट हो चुकी है और रशिया और यूक्रेन जहाँ इसमें इन्वॉल्व है तो एक तरह से जो है वो डॉलर रेट भी बताया जा रहा है कि जी वो और ऊपर चला जाएगा महंगाई भी और हो जाएगी कई चीजों में प्रॉब्लम आएगी जिसमें अगर कोई चीज कोई रशिया से लेता है चाहे वो ऑयल हो या गैस हो या वट तो उस सब चीजों में रोक लग जाएगी और क्या इस तरह की भी कोई सिचुएशन हम देखने जा रहे हैं रशिया जो है वो एक ऑयल बेस्ड इकोनोमी है जब टू uh, में देखा अमेरिका ने सऊदी अरेबिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल ऑयल बेस्ड इकोनॉमी और गैस बेस्ड इकोनॉमी को तोड़ने का एक तरीका अमेरिका ने यह निकाला था कि अपनी तरफ से ओवर प्रोडक्शन की सऊदी अरेबिया से ओवर प्रोडक्शन कराई और उसी टाइम पे हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस गिर के थर्टी डॉलर के आसपास पहुंच गई थी अगर ये दोबारा किया वैसे तो सैक्शन लगाते जा रहे हैं अगर ये इन्होंने दोबारा किया तो रशिया के पास सिचुएशन uh, तो बहुत खराब हो जाएगी uh, अभी तक जो खबर है उन्होंने करीब 700 टू 900 बिलियन डॉलर्स अपने जो फॉरेन बैंक्स में थे उसको विदड्रॉ किया है पिछले सात महीने में सो दैट दे वर प्लानिंग फॉर दिस वॉर 700 बिलियन डॉलर्स ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे तेल उनके पास है लेकिन बाकी सब कुछ वो इम्पोर्ट करते हैं खाना तक इम्पोर्ट करते हैं लेकिन, तो आ, है। तो देखते हैं कितने दिन बहुत लगा रहा है, अमेरिका लेकिन इस वक्त अमेरिका जो है वो बहुत कमजोर नजर आ रहा है वो रशिया को रोक नहीं पाया कि इस इस तरह की इस तरह की अटैक्स ना से यूक्रेन पे अटैक ना हो और उस लिहाज से तो हम देख रहे हैं कि पहले जैसा पावरफुल अमेरिका हमें नहीं दिखता ये अमेरिका की कमी बोलिए या जो बाइडन की कमी बोलिए क्योंकि ट्रंप जब थे तब ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि अगर आपने यूक्रेन को अटैक किया तो हमारा अटैक सीधे क्रेमलिन पर होगा और उस समय शायद शायद रशिया रुक गया था ये प्रेसिडेंसी बाइडन प्रेसिडेंसी वीक प्रेसिडेंसी ऐसा अमेरिकन भी मानते हैं और इस वीक प्रेसिडेंसी में का फायदा उठा करके रशिया ने ये काम कर दिया है ये हम मानते हैं अगर ट्रंप होता है एक सर्वे सामने आया कि अगर ट्रंप होता है प्रेसिडेंट तो शायद रशिया अटैक नहीं कर पाता और इन चीजों में हम ये हमारे लिए ये देखना भी जरूरी है कि नेटो का भी कुछ बहुत अच्छा वो रोल नहीं रहा नेटो को भी सपोर्ट में आना चाहिए था जो नहीं आया हालांकि नेटो ने अपना क्लॉज एक्टिवेट कर दिया है चालीस की फोर्स उसने इकट्ठी कर ली है लेकिन अब बहुत कम चांसेस हैं कि नेटो इसमें घुसेगा क्योंकि नेटो ने बोल दिया कि जो नेटो का मेंबर है हम उसी को सपोर्ट कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते हालांकि ये वॉर जो हुई है नेटो की वजह से ही हुई है इवन नेटो, ने नेटो, आप आप नेटो के पास फिर आप अपनी पार्लियामेंट से पास कराते हैं फिर उसके बाद आप नेटो के पास जाते हैं नेटो उधर अपना क्लॉज इन करता है और उसके बाद आप मेंबर बनते हैं ये प्रोसेस में टाइम लगता है छह महीने से एक साल का इसी बीच में ये यूक्रेन पे अटैक हो गया वहां पार्लियामेंट से ये क्लॉज पास हो चुका था उसके बाद नेटो ने अपना क्लॉज इन्वोक नहीं किया था अब तक तो ऐसे सूरत हाल में अगर आ, किसी और कंट्री ने ऐसे क्लॉज इन्वोक किए और आ, अपनी पार्लियामेंट से कुछ पास कराया और तब तक अगर रशिया ने अटैक कर दिया तो क्या होगा तो ये प्रॉब्लम नेटो की ज्यादा है क्योंकि आप प्रोसेस में थे जहां प्रोसेस में आप हो उसी समय आपको उसकी सिक्योरिटी उठा लेनी चाहिए खैर एनीवेज नेटो नहीं उठा पाया तो ज्यादा नेटो के और देन बाइडेन प्रेसिडेंसी के लिए तो सब यही बोल रहे हैं कि वीक प्रेसिडेंसी अगर आ, उसकी जगह ट्रंप होता तो शायद अटैक नहीं हो पाता नहीं आप ठीक कह रहे हैं लेकिन इसी बीच में यानी जाते जाते इस कहना चाहिए डिबेट के बीच में या इस वीडियो के बीच में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एज ए इंडियन आप कैसे देखते हैं कि जो इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी जो रशिया का विजिट किया और उनके जाते ही वॉर स्टार्ट हो गई वो खैर एक कहना चाहिए कि अब हैरत हुई मुझे कैसा कैसे हुआ और क्यों प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कैसी सिचुएशन है और वो वॉर चले गए लेकिन आप कैसे देखते हैं इमरान खान के इस विजिट को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से तो मैं आप सारी उम्मीद करता हूँ वो कुछ भी कर सकते हैं ही इज द सेकेंड पर्सन इन द वर्ल्ड आफ्टर द ओनली शेख चिल्ली हु कुड डू इट ये जो काम कर रहे हैं आ, उनको नहीं पता था कि ऐसी टफ सिचुएशन है अच्छा नहीं पता था वो आप पहुंच गए उसके बाद तो पता चला होगा तो कट शॉर्ट करना था ना विजिट आपने कट शॉर्ट भी नहीं किया शायद उनको लगा कि यहाँ से लोन मिल जाएगा आप तीन घंटे बिठा के बात कर ली अरे बात तो आप वैसे फोन पे कर लेते तीन घंटे बात करके ज्वाइंट स्टेटमेंट तक नहीं आया उस विजिट का क्या फायदा जिसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट ना आए एक चीज आपने एक स्टेटमेंट निकाल दिया अरे स्टेटमेंट तो ये घर पे बैठ के निकल जाता ना आपका बानीवाला बोल बोरा था मॉस्को जाना जरूरी था ये प्रॉब्लम क्या एक आपको क्या मिला उस विजिट से जहां पे आपने इतनी इंटरनेशनल फजीहत झेली पहली चीज दूसरी चीज आप एक सीपीसी का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं अमेरिका के साथ और आप ऐसे ही टाइम पे अमेरिका के अमेरिका के दुश्मन के पास पहुंचे हुए हैं जहां पे वो एक अटैक कर रहा है एक तीसरे कंट्री पे जो कि अमेरिका का आई है ठीक है अमेरिका ने भी हेल्प नहीं की मानता हूँ आपको कम से कम सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए थी यू शुड हैव कट शॉर्ट योर विजिट ठीक है चलो आपने कट शॉर्ट नहीं किया एक स्टेटमेंट देना था कि ये दिस दिस वाज एन आउटराइट एग्रेशन वो भी आपने नहीं किया चलो और उसके बाद दूसरी चीज ये कि आपके इस विजिट के बाद अमेरिका का शार्प रिएक्शन था कि वी आर वाचिंग क्या हो रहा है हमें हमारी पूरी नजर है उसके बाद अमेरिका ने आपके ऊपर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर फाइन मार दिया किस चीज पे फाइन किस चीज मारा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइन मारा मनी लॉन्ड्रिंग पे आप मनी लॉन्ड्रिंग झेल रहे हैं एफ का सेशन चल रहा है अगर यही प्रूफ उसके सामने खड़े कर दिए कि मनी लॉन्ड्रिंग अब तक रुकी नहीं है अमेरिका ने मारा तो आप तो वहां पे गए यह बात भी समझ में आनी चाहिए थी ना कि आपकी इंटरनेशनल पोजीशन क्या है ब्लैक लिस्ट में जाने की पहले से जिसे बोलते हैं पाकिस्तान रियुमर्स बोलता है इंडिया फैक्ट्स बोलता है जो भी है लेकिन बातें चल रही है ब्लैक लिस्ट में, में नहीं गए ग्रे से तो कतई नहीं निकलते ये चीज है ये सोचनी चाहिए थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आई डोंट नो उन्होंने क्या भला किया था या क्या बुरा किया था पाकिस्तान में पहले भी दो दिन का ही प्लान था उन्होंने कट शर्ट क्या करना था दो दिन के लिए तो गए थे उनका जो प्लान मेरे हाथ में था वो जिस रात पहुंचे हैं उस रात कुछ नहीं था उससे नेक्स्ट डे उनकी मीटिंग्स थी उससे अगले दिन उन्हें कई एक एक वहां जाना था मुस्लिम एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना था और मीडिया ब्रीफिंग करनी थी और उस दिन शाम को थर्ड डे शाम को चलना था ये प्लान मेरे पास कहाँ से आया मेरे पास मेरे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भेजा मेरे दोस्त ने साथ में गुल बिखारी जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है उन्होंने सेम प्लान को ट्वीट किया तो ये कंफर्म हो गया कि ये प्लान सेम है मेरे पास जो है अब जहां तक बात है उन्होंने कुछ चीजें इनकॉपरेट कर ली वो अनोन सोल्जर टूम पे वो सेम डे ही चले गए वो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन थी उधर भी सेम डे ही चले गए मान लिया लेकिन प्लान उन्होंने कट शॉर्ट किया लेकिन उन्हें प्लान कट शॉर्ट करने के साथ साथ मतलब जिस दिन वो गए थे पुटिन से मीटिंग हुई हुई बाकी सारी चीजें छोड़ के भागाना था नहीं छोड़ के आते तो एक एक स्टेटमेंट तो दे दे, सकते थे तो दिस इज ब्लेटेंट अब आप क्या उम्मीद करेंगे कि आपके ऊपर किसी कंट्री ने अटैक कर दिया तो क्या अमेरिका आपको सपोर्ट करेगा या वेस्ट आपको सपोर्ट करेगा या वेस्ट ये बोलेगा इनवेजन में नहीं बोलेगा तो दिस हैज टू बी डन इंडिया ने भी यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया है अब तक लेकिन इंडिया का अपना स्टैंड है तो इंडिया उस स्टैंड पे है इंडिया ने इंडिया ने Uh, दो बार यूक्रेन के फेवर में वोट नहीं किया हालांकि रशिया के फेवर में नहीं किया लेकिन यूक्रेन के फेवर में वोट नहीं किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दो बार आज ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने न, सपोर्ट मांगा है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करके और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिक्वेस्ट की गई थी यहाँ पे जो यूक्रेन के एम्बेसडर है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मोदी एक वर्ल्ड लीडर है और मोदी एक बहुत बड़े लीडर है वर्ल्ड के उनकी वो पावरफुल लीडर है उनकी बात सब मानते हैं रशिया मानता है तो वो रशिया के प्रेसिडेंट से बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात भी की और उसके बाद टॉक्स का ऑफर भी आया रशिया की तरफ से वीसी द सॉफ्ट पावर ऑफ मोदी हियर बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि वो एक वर्ल्ड लीडर की तरह बिहेव करें वो बानीगाला लीडर की तरह बिहेव करते दिखे पिछले करीब दो हफ्ते में तो कम से कम आपका मतलब है कि उन्हें वहां जाते यू टर्न मार लेना चाहिए था खान साहब को रशिया जाते यू टर्न फ्लाइट करके वापस आ जाते वो वहां पे जाकर के एक स्टेटमेंट दे देते ना कि ये जो अटैक हुआ है रशिया का दिस इज ब्लेटेंट इनवेजन दैट्स इट वहां पे फिर हुआ पांच दिन रुकते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती दिस इज इनवेजन आई हैव कम कम हियर रशिया ने मुझे इनवाइट किया था मैं आया हूं यहां पे रशियन प्रेसिडेंट से बात करूंगा ये इन्वेजन है और इस इन्वेजन के खिलाफ मैं हूं हम किसी भी यहाँ पे बोल रहे थे वो इंडिया में बैठ के बोल रहे थे सॉरी पाकिस्तान में बैठ के बोल रहे थे बालाकोट के टाइम पे कि जंग किसी मसले का हल नहीं है तो ये बात वहां भी बोल सकते थे ना नहीं। वहां तो उन्होंने नहीं बोली नहीं।, नहीं वहां बोलना चाहिए था वहां पे शायद वो पुतेन की चमचागिरी कर रहे थे इस वजह से उन्होंने बोली नहीं इसमें फंस गए लेकिन अब लास्ट में मुझे यही बताइए कि सेंशन लग जाएंगी बल्कि लग रही है रशिया पे तो क्या समझ रहे हैं आपके वो ईरान वाला हाल होगा या ये के निकल आएंगे उसमें से ये तो हमें देखना पड़ेगा कि उस सैंक्शन में कौन कौन आ, सपोर्ट करता है रशिया को हुँ. चाइना सपोर्ट कर सकता है अभी तक चाइना ने कुछ ओपनली बोला नहीं है एक चीज और इमरान खान बड़ी सॉलिडारिटी दिखा रहे थे रशिया के साथ वहां पे थे ओआईसी में किसी ने सपोर्ट नहीं किया सबने रशिया के खिलाफ बोला है चाइना ने सपोर्ट नहीं किया इमरान खान अकेले ऐसे वर्ल्ड लीडर है जो कि सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं आ, वैसे ही अब हमें लगता नहीं कि सैंक्शन में भी कोई बहुत अच्छी तरह से ओपनली सपोर्ट कर पाएगा रशिया को और ऐसे में रशियन इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में फेल होनी हमें आ, लाजमी दिख रही है यूरोप को गैस की क्राइसिस दिखेगी बहुत क्लियर वर्ड्स में यूरोप गैस की क्राइसिस में आएगा नॉट टू बंद कर दिया गया है जितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो गैस से या तेल से ले रहे थे वो तेल सब कुछ हर जगह तेल उस उसका इम्पोर्ट बंद हो गया तो वो रशिया लिक्विडिटी क्रंच में आएगा कैश क्राइसिस में आएगा और मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में आएगा और उसके लिए कहीं वही हालत ना हो जाए जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हुई थी कि अपनी जो अपना जो इतना बड़ा फ्लीट थी उसकी भी सैलरी के लिए पैसे नहीं थे वो भी हो सकता है लेकिन अभी एज द थिंग्स अनफोल्ड विल गेट टू नो कि क्या सिचुएशन है बिल्कुल जी लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं और यही दुआ करते हैं कि सारी सिचुएशन जो है आ, uh, वो अच्छी हो जाए पीसफुली सब लोग जो है वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर ले और ये चीज़ हम मज़ीद बढ़ते हुए ना देखें क्योंकि पहले ही लोग तंग आए हुए हैं पहले अफगानिस्तान में यही कुछ हो रहा था और अब यूरोप इस तरह से स्टार्ट हो गया है और खास तौर पे वो स्टूडेंट्स खा, खास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ फंस गए इंडिया ने तो चले उनको निकालने का काम शुरू कर दिया लेकिन आई होप कि जल्दी पाकिस्तान भी इस तरफ सोचे और अपने स्टूडेंट्स को बचाए बहुत शुक्रिया सर क्या आज आपने ज्वाइन किया थैंक यू सो मच